दोस्तों, आप सभी के मन में डाउट हमेशा रहता होगा कि क्या आपको आपके फोन के स्क्रीन पे स्क्रीन प्रिंटर लगाने की जरूरत है, जबकि आपके फोन ने तो पहले ही आपको गोरिल्ला ग्लास या ड्रैगन टेल ग्लास की प्रोटेक्शन दी है। तो ये वीडियो देखते रहिए और आपको आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि नहीं तो गोरिल्ला ग्लास बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है कॉर्निंग और नहीं ड्रैगन टेल ग्लास बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है आशी, ये कहती हैं कि हमारा जो ग्लास है वो स्क्रैच प्रूफ है। वो सिर्फ इतना कहती हैं कि जो हमारा ग्लास है वो स्क्रैच रेजिस्टेंट है। उसका मतलब ये कि काफी हद तक वो स्क्रैच को रोकेगा। अगर आपके फोन पे आप नॉर्मल यूज में आपके स्क्रैच पड़ जाते हैं तो उस ग्लास की मदद से नहीं पड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन ग्लास पे स्क्रैच पड़ेंगे ही नहीं, जरूर पड़ सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, एक स्केल है हार्डनेस का जिसको हम बोलते हैं मोह स्केल ऑफ हार्डनेस। इस स्केल में हर एक मटेरियल को एक नंबर दिया गया है उसकी हार्डनेस के हिसाब से। 0 का मतलब होता है सबसे कम हार्ड, सबसे सॉफ्ट, और 10 का मतलब होता है सबसे ज्यादा हार्ड, जो कि है डायमंड। अब देखिए, इस स्केल पे कोई भी मटेरियल है उसका नंबर है मान लीजिए 5, तो इसका मतलब ये कि उस मटेरियल पे अगर आप 5 से कम नंबर वाले किसी और मटेरियल से स्क्रैच लगाएंगे तो स्क्रैच नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 से ऊपर वाले किसी भी मटेरियल से अगर आप स्क्रैच लगाएंगे तो स्क्रैच पड़ जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर का जो नंबर है वो है 3 के आसपास और जो स्टील है उसका नंबर है करीब 5.5 के आसपास। तो इसका मतलब ये कि अगर आप एक कॉपर की ब्रिक पे एक स्टील के नाइफ से अगर आप स्क्रैच लगाएंगे तो स्क्रैच आएंगे, लेकिन अगर आप एक स्टील की ब्रिक पे कॉपर के चाकू से अगर आप कोशिश करेंगे तो स्क्रैच उस पर नहीं पड़ने वाले हैं। इसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास है, चाहे वो गोरिल्ला ग्लास 2 हो या 3 या 4 हो, और जो ड्रैगन टेल ग्लास है, इनका जो नंबर आता है मोस्ट हार्डनेस स्केल पे वो आता है करीब करीब 6.5 के आसपास। अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 या 4 में अंतर सिर्फ इतना है कि उसी सेम हार्डनेस को बरकरार रखा गया है, लेकिन ग्लास की जो थिकनेस है उसको थोड़ा सा कम कर दिया गया है, थोड़ा ग्लास को आपने फ्लेक्सिबल बना दिया है। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास जो है 4 वो ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट है, 3 कम है, ऐसा नहीं है। वो एक ही चीज है, सिर्फ उसकी थिकनेस को कम कर दिया गया है सेम ताकत को रखते हुए। देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं हमारे कॉमन हाउसहोल्ड आइटम्स का, जो हमारे जेब में पड़े होते हैं, चाहे वो सिक्के हों, चाहे वो चाबियां हों या चाकू वगैरह कुछ भी चीज अगर आप स्क्रैच लगाएंगे जबरदस्ती भी, तो आपके फोन पे आपको स्क्रैच देखने को नहीं मिलेगा आमतौर पे, क्योंकि उन सभी का जो हार्डनेस का नंबर है वो 6.5 से कम होता है। तो आप कितना भी कोशिश कर लें चाबी से अपने फोन को रगड़ने की, आपके फोन पे कभी स्क्रैच नहीं आएगा अगर उस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास या ड्रैगन टेल ग्लास लगा है तो। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसकी वजह से आपके फोन पे स्क्रैच आ सकता है और आपको कभी ऐसा लगेगा नहीं कि वो स्क्रैच उसकी वजह से आया है, और वो है सैंड। सैंड जो है उसमें क्वार्ट्ज होता है और क्वार्ट्ज का जो हार्डनेस का क्वोशेंट है वो करीब 8 या 9 के आसपास है। अब आप सोच के देखिए कि अगर आपके फोन पे जरा सी भी सैंड है और अगर आपने उसको ऐसे साफ करने की कोशिश की तो वो सैंड पार्टिकल से आपके फोन में स्क्रैच आना बहुत ही एक आम बात है। तो आप चाहे फोन को कितना भी ध्यान से रखें, अगर आप कहीं सैंड वाले एरिया में रहते हैं या अगर आप बीच वगैरह के आसपास रहते हैं तो आपके फोन में स्क्रैच आना बहुत ही एक आम बात है। उस केस में आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको लगे कि आपके फोन पे सैंड है तो आप उसको ऐसे हाथ से रगड़ के साफ ना करें, पहले आप उसको फूंक मार के हटाएं जितनी हो सके, उसके बाद में एक नरम कपड़े से उसको आप धीरे से वाइप कर दें। दोस्तों, ये जो थी हार्डनेस की बात। अब आप जान गए होंगे कि आपके गोरिल्ला ग्लास स्क्रीन पे या ड्रैगन टेल स्क्रीन पे किन चीजों से स्क्रैच नहीं पड़ सकता है और किन चीजों से आपके फोन पे स्क्रैच पड़ सकता है। अब एक नई टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं जो हम काफी दिनों से सुन रहे हैं, सफायर ग्लास की। एप्पल काफी सालों से कोशिश कर रहा है अपने फोन में सफायर ग्लास का स्क्रीन देने की, और ऐसे ही बाकी कंपनीज भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसका अभी प्रोडक्शन थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर वो बनता है रियलिटी में तो आप ये माने कि उसकी जो हार्डनेस है वो करीब करीब 9 के आसपास होगी। इसका मतलब ये कि लगभग सभी मटेरियल से उस पर स्क्रैच पड़ना इम्पॉसिबल होगा, लेकिन जैसे डायमंड वगैरह है उससे उस पर स्क्रैच पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक आम तौर पे आपको स्क्रैच रेजिस्टेंट काफी हद तक वो देखने को मिलेगा अगर हम गोरिल्ला ग्लास या हम ड्रैगन टेल ग्लास से कंपेयर करते हैं तो। देखिए, ये तो थी स्क्रीन के अलग अलग टाइप्स के बारे में, कैसे स्क्रैच पड़ते हैं, कैसे स्क्रैच नहीं पड़ते हैं वगैरह इसके बारे में। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं कि आप स्क्रीन प्रिंटर यूज करें या ना करें, और करें तो कौन सा करें। देखिए, पहली रिकमेंडेशन तो ये होगी कि आप जरूर यूज करें। अगर आप एक 5,000 का फोन भी खरीदते हैं या आप 50,000 का फोन भी खरीदते हैं, स्क्रीन जो होता है उसका रिप्लेसमेंट सबसे महंगा होता है फोन में। अगर आपने 5,000 का फोन लिया है और अगर आपने उसका स्क्रीन स्क्रैच कर दिया है, या अगर आप चाहते हैं कि वो स्क्रैच आ गए आप रिप्लेस करवाएंगे, तो कम से कम 3,000-3,500 का आपका स्क्रीन का रिप्लेसमेंट होगा। ऐसे ही अगर आपने अगर एक महंगा फोन यूज किया है, चाहे वो नोट 5 हो, चाहे वो आईफोन वगैरह हो, उसके स्क्रीन रिप्लेसमेंट की बात मेरे ख्याल से अंदाजन इंडिया में 15,000-20,000 में आपका उसका स्क्रीन रिप्लेस होना चाहिए। तो आप एक 100 रुपए के स्क्रीन प्रिंटर के लिए आप क्यों चाहेंगे कि आप 15,000-20,000 का रिस्क लें सिर्फ उस गोरिल्ला ग्लास को टेस्ट करने के लिए, जबकि मैंने आपको बता दिया है कि वो सैंड से बड़ी ही आसानी से स्क्रैच आ सकते हैं। नॉर्मल चीजों से नहीं आएंगे, चाबियों वगैरह से नहीं आएंगे, लेकिन सैंड से स्क्रैच आना बहुत ही एक आम बात है। अब देखिए, स्क्रीन प्रिंटर लेना तो है, लेकिन लेना कौन सा है, टेम्पर्ड ग्लास वाला या फिर प्लास्टिक वाला? मेरा ओपिनियन और जो आज तक मैंने खुद ने यूज किया है वो
वो है एक प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर, सस्ता सुंदर टिकाऊ। टेम्पर्ड ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर भी स्क्रैच हो सकता है बड़ी ही आसानी से, क्योंकि उसकी हार्डनेस भी करीब करीब 6 या 7 के आसपास ही होती है। वो कहते हैं कि उसकी हार्डनेस डब्बे पे लिखा होता है कि 8 है या 9 है, जबकि वो झूठ होता है, वो होती 6 या 6.5 के आसपास ही है। तो अगर आप सैंड वगैरह से उसको स्क्रैच करेंगे तो उस पर भी स्क्रैच बड़ी ही आसानी से आ जाएंगे। और वो कम से कम 5 से 6 गुना महंगा होता है एक प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर के कंपैरिजन में। तो अगर आपको रिप्लेस करना ही पड़े बाद में, अगर आप 6 महीने उसको यूज कर रहे हैं बाद में आप उस पर स्क्रैचेस आ गए आपको रिप्लेस करते हैं, तो आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 10 से 20 गुना हो जाएगी। जबकि एक प्लास्टिक वाला सस्ता सा आ जाता है, आप उस पर लगा लीजिए, जब तक उस पर स्क्रैच आपको थोड़े बहुत अगर आ भी रहे हैं तो ठीक है, आप उनको यूज कर सकते हैं। वैसे इतनी आसानी से उस पर भी आजकल नहीं आते हैं नॉर्मल यूजेज में, और जब आ जाएंगे तब आप उसको बड़ी आसानी से हटा के और दूसरा लगा सकते हैं। आजकल बहुत से फोन आते हैं तो फ्री मिल जाता है आपको, तो आपको जरूरत भी नहीं है टेम्पर्ड ग्लास पे इन्वेस्ट करने की। दूसरा जो ड्रॉबैक है टेम्पर्ड ग्लास का वो ये कि बहुत से फोन आजकल जो है उनका जो स्क्रीन है वो हल्का सा साइड से कर्व्ड होता है। ऐसे में अगर आप एक टेम्पर्ड ग्लास यूज करते हैं तो वो पूरी आपको फिटिंग से नहीं दे पाता, साइड में जो उसके बॉर्डर होते हैं वहां पे आपको एयर बबल देखने को मिलते हैं। मैंने खुद ने नोट 4 में और नोट 5 में यूज करने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन साइड में बहुत ज्यादा बबल्स आ जाते हैं, तो इसलिए आपको बिल्कुल यूज करने में मजा नहीं आता है। और ऊपर से वो थोड़ा मोटा भी होता है, तो आपको फोन का जो है ना एक मतलब टच का इफेक्ट हो या कुछ भी आपको इतना अच्छा नहीं मिल पाता है। लेकिन एक प्लास्टिक वाले में आपने एक बार लगा दिया, उसके बाद में एक तरीके से आपने वो लगाया है या नहीं लगाया वो एक ही बात है, आपको कभी स्क्रीन पर नजर भी नहीं आएगा। जब तक चलता है 4 महीने 6 महीने 5 महीने जब तक आप चलाएं उसको, जब रिप्लेस करना है उसको बड़ी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। टेम्पर्ड ग्लास को मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं उसमें इन्वेस्ट करना तो आप जरूर उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होगी एक सस्ता सुंदर टिकाऊ प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर। दोस्तों इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे इसको जरूर लाइक और शेयर कीजिए। कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करना ना भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।